बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपनी ज़ुमान में रखे, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ईजी है और मेरे किड्स की फेवरेट है। आपने बहुत मुख्तलिफ़ अकसाम के चिकन रोस्ट किए होंगे, कबाब बनाते होंगे, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है KFC स्टाइल में, लेकिन बहुत ईजी है। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं, मैंने 1800 ग्राम मैंने लिया है चिकन, लेग पीस है ये। उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, पहले मैं आपको लेग पीस का बता दूं, मैंने लेग पीस कल जब मैंने बाय किए थे तो मैंने आके 800 ग्राम मैंने लेग पीस लिए हुए हैं। और ये देखें, मैंने इनकी स्किन ऑफ़ नहीं की, अगर आप चाहें तो इनकी स्किन ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने स्किन के साथ इनको मैं बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 kg इसमें पानी डाला है, इसमें नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड पेपर डाल के, और 1 tablespoon इसमें मैंने वाइट विनीगर डाला, और इसको मैंने सोक करके रख दिया हुआ था। ये पूरी ओवरनाइट पड़े रहे हैं, आप इसे 3 to 4 hours इसी तरह धो के अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से जो इसके ब्लड है वो उसका सारा रिड्यूस हो जाए, सारा चीज़ें जो है इसके अंदर, मसाला जो है इसके अंदर चला जाए। और ये मैंने पूरी रात पड़ा रहने दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इनको मैं निकालूँगी अच्छे से पानी से निकाल के, ये टिश्यू पेपर पे रखूंगी, ये रैक के ऊपर रखकर इसे अच्छी तरह ड्राई करूंगी। ये इसका पानी सारा मैंने इसी तरह निकाल के इनको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। पेपर की मदद से मैं इसको सारा, टावल ले लें, कोई पेपर टावल ले लें, किसी से भी, ये इसको अच्छे से ड्राई कर लेना। ये देखें, सारे पीसेस इसी तरह निकाल के मैं इनको ड्राई कर लूँगी। और जो इंग्रेडिएंट इसमें स्पाइस यूज़ होने हैं वो ये हैं, 800 ग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 1 cup मैंने इसमें सिंपल प्लेन फ्लोर लिया है, मैदा लिया है इसमें, ये 1 cup है, ये 1/2 cup मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर, ये 1/2 cup है। अगर आप इसे 250 ग्राम लेते हैं तो ये आपने लेना है 125, इक्वल क्वान्टिटी नहीं, इसके हाफ रखनी है आपने। और इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, 1 teaspoon इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, इसमें 1 teaspoon इसमें जाएगा पेपरिका या कश्मीरी मिर्च आप ले सकते हैं, और ये कलर के लिए है। और 1 teaspoon इसमें जाएगा सॉल्ट, 1 tablespoon इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, और 1 teaspoon इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट, और 1 teaspoon इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट। ये इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होने हैं बहुत ही सिंपल, और 1 अंडा इसमें यूज़ होगा। अभी मैं सब इसको पहले चिकन को निकाल के, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था जिसको पानी के अंदर हमने रखा हुआ था, पानी विनीगर के अंदर, उसको मैं निकाल के पहले अच्छे से ड्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें, ये इसे मैंने 1 egg डाला था, और
1/4 कप तकरीबन इसमें पानी डला है और ये इतना हो गया रेडी हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा चिकन है हमने ड्राई करके रखा हुआ था उस चिकन को इसके अंदर डिप करेंगे। पहले हम लेग पीस को इसके अंदर डिप करेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अच्छे से डिप करना है। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला मिक्सचर जो हमने हाफ रखा हुआ था उसके अंदर डिप करेंगे। अच्छे से जो पहले वाली लेयर थी इसकी वो वाली सारी इसकी लेयर छुप जाए। इसी तरह हम सारे ये वाले जो ब्लैक पीस हैं ये वाले हम रेडी कर लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे वन बाय वन करके। और फिर ऑयल मैंने चूल्हे पे ऑलरेडी गर्म होने रखा हुआ है, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। और ये देखें सारे मैंने जो लेग पीस थे उनको लगा लिया ऊपर, दोनों कोटिंग कर लिया, पहले एग और जो मिक्सचर मैदे वाला था उसकी कोटिंग, फिर उसके बाद जो ड्राई मैदा था उसके कोटिंग की। और ये देखिए अच्छी तरह अब मैंने ऑयल गर्म करना रखा हुआ है, इस ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, आपने लो फ्लेम पे इसको करना है, क्योंकि अगर आपका ऑयल बहुत गर्म होगा और तेज़ फ्लेम पे आप उसको करेंगे तो ये ऊपर से इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो कुक हो जाएगी और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने इसकी फ्लेम को लो ही रखना है। और ये डीप फ्राई होगा हमारे, ये देखिए ये मीडियम फ्लेम पे हमारा हो रहा है, फ्लेम इसकी बिल्कुल नॉर्मल रखी मैंने, क्योंकि ये अभी अंदर से कुक हो रहा है, जब ये अंदर से कुक हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर ये बाहर से तब कुक होगा। ये देखिए अभी तकरीबन 5 मिनट से हो गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और ये भी एक मैं आपको तोड़ के काट के दिखाती हूँ कि अंदर से ये देखिए बहुत अच्छे से अंदर से कुक हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे से अंदर से सारा मसाला इसके अंदर नज़र आ रहा है कि गया हुआ है, मैंने कभी ट्राई करके देखा है, बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से। आप भी इसको बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी ये रेसिपी और मेरी बाकी रेसिपी भी अच्छी लगती हैं तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।